इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले हुआ इस्तीफा। कल चंडीगढ़ के मेयर को लेकर है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से ही, चंडीगढ़ नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लग रहा है कि बीजेपी का खेमा भारी हो गया है। देखिए, बीजेपी लगातार यही तैयारी कर रही है कि अगर एक बार फिर से चुनाव होते हैं तो उनके पास नंबर पूरे होने चाहिए। और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़े गए हैं। इनमें से एक पार्षद पहले बीजेपी में थे जो बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वो भी अब वापिस आ गए हैं। और इसके अलावा एक सांसद का वोट और एक शिरोमणि अकाली दल के पार्षद का वोट भी बीजेपी के पक्ष में है। तो बीजेपी दोबारा से चुनाव की तैयारी कर रही है। इसी वजह से जो सिटिंग मेयर है बीजेपी के मनोज सोनकर, जिनके चुनने को लेकर, जिनके चुनाव को लेकर धांधली का आरोप है, उनसे भी इस्तीफा दिलवा दिया गया है। तो अब कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे मामले में क्या सुनवाई करता है और क्या जल्द ही दोबारा चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाते हैं या नहीं। ये तो बीजेपी की तरफ से तैयारी की जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी क्या कोई तैयारी की जा रही है कि अगर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख अगर इस तरह का रहता है तो फिर उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को एकजुट रखने का प्रयास किया। कुछ वक्त तक पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को रखा गया, लेकिन अब पार्षद लंबे वक्त से अपने घर से दूर थे तो उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ में ही रहना चाहते हैं। और इसी दौरान ये बातचीत हुई है जिसमें ये 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही है। तो सारा नंबर का खेल है और नंबर के खेल के हिसाब से इस वक्त बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। अगर दोबारा चुनाव होंगे और सभी वोट अगर ठीक तरह से पोल किए गए तो फिर बीजेपी का मेयर बनना एक बार फिर से तय है। और इसी वजह से बीजेपी ने पार्षदों की जो पूरी संख्या है उसको अब जुटा लिया है, उनके पास एक सांसद का भी वोट मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए।